ये अभी दिल्ली में बिहार भवन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिहार में पिछले 20 दिनों में जो एक बुखार से, एक अज्ञात बुखार मैं इसको कहूँगा क्योंकि अज्ञात बुखार से जो बच्चों की मौत हुई है, उस वजह से जो एक नाराज़गी धीरे धीरे ही सही लेकिन अब देश में बन रही है, उसको लेकर के ये प्रदर्शन शुरू हो गया है अभी दिल्ली में बिहार भवन के बाहर। हालांकि संख्या कम है, आप देखिए कि लेकिन जो भी लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे इस वक्त पोस्टर के साथ, बच्चे भी हैं। मैं चाहूँगा कि इस लाइव को जो लोग देख रहे हैं वो इसको शेयर करते चलें ताकि बात और आगे तक पहुँचे। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में खबरों से अलावा ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो, कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको जरा मैं बता दूं कि बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार बच्चों की डेथ हो रही है और अभी ये आंकड़ा जब हम आप बात कर रहे हैं, ये लाइव आप देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 120-125 के आसपास पहुंच गई होगी। और उसके अलावा सबसे दिलचस्प बात, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जो प्रशासन का पूरा रवैया है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है और किसी भी तरीके का कोई एक्शन बहुत मजबूती से ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। जो साथी ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में जिस अस्पताल में बच्चे लाए जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब है, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं की कमी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद 2012-13 में मैंने इस ट्रेजडी को, इस त्रासदी को कवर किया था और कुल मिलाकर के स्थिति लगभग वैसी ही है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गए थे वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, वो दौरा कर रहे थे और उनके सामने दो बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाएं वहाँ जाकर के लोगों से, बच्चों से मिलें कम से कम, क्योंकि प्रशासन के जाने, मुख्यमंत्री के जाने का एक असर होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ले करके अभी दिल्ली के बिहार भवन के सामने पुलिस की बैरिकेडिंग है, पीछे आप देखिए, और उसके सामने एक एक स्वतः कॉल प्रदर्शन का दिया गया। कोई खास संगठन नहीं, कोई कुछ वो नहीं, इस वजह से संख्या भी थोड़ी कम है, लेकिन एक प्रदर्शन जो है वो बिहार में रह रहे लोगों के अंदर जो एक कुलबुलाहट है, एक जो परेशानी है, एक जो नाराज़गी है कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद जो चुप्पी है वो छटपटाहट है ये प्रदर्शन, मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक के बाद एक बच्चे मरते जा रहे हैं और एक बुखार की वजह से मरते जा रहे हैं और उसके बाद एक चुप्पी रहती है। क्रिकेट मैच में भारत के जीतने को लेकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर के देश के गृह मंत्री तक बधाई देते हैं, लेकिन किसी को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो बिहार में जो स्थिति है, बिहार में जो बच्चों की मौत हो रही है उसके बारे में दो शब्द बोल दें, उन पर थोड़ी बातचीत कर दें। तो ये एक नाराज़गी है लोगों में और नाराज़गी की ही एक वजह है कि वो अभी दिल्ली में बिहार भवन के सामने एक प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, क्या नाम है बेटा? संदीप। संदीप कहाँ के रहने वाले हो? हम कालीवाड़ी, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, ये किस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, तुम्हें पता है? हाँ, ये बिहार में जो लोग मरते हैं, बच्चे ही मरते हैं, क्यों ने मेडिसिन दवाई डॉक्टर की कमी हो गई थी, इसी कारण। तो ये लोग हैं और कुछ मिला करके मैं चाहूँगा कि कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। इतनी गहमा गहमी और चुनाव के बाद इतनी 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 चुप्पी क्यों है यार, जब इतने बच्चे मर रहे हैं? देखिए क्या है कि एक तो पूरा जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसको हम हिंदी में कहते हैं, लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। अभी सबको ये प्यारा है कि कौन सा सोफा हमें मिलेगा, कौन सी लकड़ी की कुर्सी मिलेगी, इसका मतलब है कौन राज्य मंत्री बनेगा, किसको राज्यसभा की सीट मिलेगी, सब लोग उसी में बिजी है। इन चीज़ों को उन्होंने ढक के रखा है। आपको याद होगा उन्होंने पहली बात कही कि बच्चे लीची खा के मर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात इस देश में हो नहीं सकती है कि गरीब के बच्चों को आप कहें कि वो लीची खा के मरे, जबकि मुजफ्फरपुर में हर साल बच्चे मरते हैं। तो ये शर्मनाक बयान से पूरी स्टोरी शुरू हुई। फिर जब हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ विजिट किए, तो वहाँ के जो हमारे मंत्री हैं मंगल पांडे वो गए, मंगल पांडे ने यहाँ तक कह दिया कि जो बच्चे मरे हैं वो मौसम की वजह से मरे हैं। तो मंगल पांडे से ही पूछना चाहते हैं कि मौसम की वजह से उनके बच्चे क्यों नहीं मरे लीची खा के, सिर्फ गरीबों के बच्चे क्यों मरते हैं? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य का बजट होता है, सन 18-19 में इन्होंने करीब 7,200 करोड़ रुपए दिए थे। जिस हॉस्पिटल में मौत हुई है बच्चों की मुजफ्फरपुर में,
120 करोड़ दिया था 100 बेड बढ़ाने के लिए, जो हर्षवर्धन आज बोले हैं जाके 3 दिन पहले, 2 साल पहले से पैसा दिया, हुआ कुछ नहीं अभी तक। ये सिर्फ नीतीश कुमार जो सभी चीज़ों को ढक के रखते हैं, अब उनको नरेंद्र मोदी का हाथ मिल गया है कि उसको बड़े स्तर से वो सब कुछ छुपा। कथित तौर पे कि बिहार में सुशासन का शासन है और उसके बाद भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं और उनके सामने बच्चों की मौत होती है। नहीं देखिए क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जो पूरा खेल है वो क्रेडिबिलिटी का है। उनको जाना था नौटंकी करने के लिए, हम बड़े चिंतित हैं। क्यों? उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया था चुनाव से पहले, ये दिखाने के लिए कि आयुष्मान भारत काम कर रहा है, लेकिन वो उस मामले में फेल हुए। वो आयुष्मान भारत वो गए थे ढूंढने के लोग बचे क्या, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो तो हर चीज़ को कवर अप करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ नीतीश कुमार से कि जो खाली शराब की बोतलें वो ढूंढते हैं बिहार में, उसकी जगह वो दवा की बोतलें ढूंढें, लोगों को दवा पिलाएं, अस्पताल चलाए। शराब की बोतलें ढूंढना नीतीश कुमार छोड़ दे, नहीं तो वो डूब जाएगा। शराब की बोतलें ढूंढ रहा है वो आदमी पिछले 8 साल से, खाली शराब की बोतलें ढूंढ रहा है वो। ये स्थिति ऐसी है, आप देखिए कि ये जो नाराजगी है और ये जो लोगों में गुस्सा है, उसकी वजह ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2019 में जब विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, उस वक्त आपके 120 बच्चे मर जाते हैं और अस्पतालों में आने के बाद मर जाते हैं, और शासन व्यवस्था इस पे एक के बाद एक बहाने बनाती है। मंगल पांडे जी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कल भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पे बधाई दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भारतीय टीम की जीत को एक स्ट्राइक बताया था, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि बिहार में बच्चों पे जो स्ट्राइक हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत है, बहुत संख्या है, इतनी बड़ी तादाद है, मतलब उस हिसाब से काफ़ी अहमियत है, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन का पूरे देश में उसका असर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज लोग उतरे और लोग काफ़ी दिनों से सह रहे हैं, ये लोग पहुंचे हैं, वो अपने आप में बहुत जज्बा है, अपने आप में बहुत बड़ा इंकलाब है कि इस सरकार को चेतावनी देने के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूँ कि ये नाराज़गी जो है लोगों की वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ये है। मैं एक बार ये तो ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वजह से, तो ये बात जो है वो बात एक दिन की नहीं है, ये पिछले काफ़ी समय से बिहार में इस तरह की मौतें बच्चों की होती रही हैं, और उसके बाद भी जो एक चुप्पी है, एक जो चुप्पी है लोगों में, शासन में, व्यवस्था में, उसके प्रति ये नाराज़गी अभी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी, और मुझे लगता है कि ये नाराज़गी से ज़्यादा कुछ न कर पाने की जो छटपटाहट है उसकी वजह से ये प्रदर्शन अभी दिल्ली में बिहार भवन के बाहर चल रहा है। देखिए सत्ता का चरित्र तो शुरू से ही ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सत्ता मजबूत होते जाती है उसको लगता है कि जनता को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगती है, उसको लगता है कि लोग तो हमें ही वोट देंगे। उनके पास अब जैसे कहा जा रहा है कि कोई विपक्षी नहीं है, तो उनके पास कहा गया कि ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऐसा चीज़ होता है कि आप एक टुकड़ा फेंक दिए, कुछ कर दिए। अब जैसे 4 लाख रुपए देने की घोषणा हुई, कितना हास्यास्पद है कि लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बट उसको कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए व्यवस्था। ये सब बातें होती, बाद में होती, लेकिन अभी ही उसको दे दिया गया पैसा, जैसे लगता है कि पैसा फेंकना ही मेरा काम है। मतलब सरकार को एक जो हम लोग ये एक सोचते ना कि एक जनता के लिए काम करे, वैसा है नहीं, उसको लगता है कि पैसा दे दो, यानी कि एक बड़ा मतलब कि एक डेंजरस सिचुएशन है कि चुनाव से पहले पैसा दे दो, कुछ भी हो तो पैसा दे दो, यानी पैसा दे के आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते हैं। ये आप एक ट्रेंड देखिए, आप चुनाव से पहले हुआ कि ये योजना में पैसा मिला, इसमें किसानों को पैसे मिल गए, अब जबकि ये क्लैमिटी हो रही है तो उसमें भी बोला जा रहा है कि आप इतने पैसे ले लीजिए, पैसे ले लीजिए और चुप रहिए। मतलब कि एक आप एक कॉरपोरेट सिस्टम की तरह कि आपको ये मुआवजा दे दिया जा रहा है, आप चुप रहिए, बस हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जा रहे हैं। क्या लोगों को पता नहीं है कि बिहार में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की कैसी स्थिति में है? कोई इलाज कराने नहीं जाता, लेकिन कहाँ कोई उसके लिए आंदोलन होता है, कभी तो नहीं उठता। आज आप अगर देखें कि जो बच्चे मर रहे हैं, तो उसमें आप अभी जो आंकड़ा आया है कि 120 में से 74 जो हैं वो लड़कियाँ हैं, तो ये एक सिचुएशन एक सैंपल की तरह बता रहा है कि लड़कियों को लेके कैसी समाज में मतलब कि स्थिति है, कि उनको खाने पीने को लेके और ये एक तबका है, मतलब कि ऊंचे तबके के लोग या जो अपर लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो तो अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज करा लेते हैं, वो प्राइवेट नर्सिंग होम में। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी और आपसे भी ये जानने के लिए, हिमांशु फिरदौस हमारे साथ हैं अभी जब उनसे बात हो रही है, कि ये जो त्रासदी है बच्चों की मौत की,
वो ये भी बताता है कि हमारे यहाँ का सरकारी स्वास्थ्य सेवा कितना खंडर हो चुका है, और ऐसे में फिर आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं का क्या मतलब रह जाएगा। नहीं नहीं, ये नई नई योजनाएं लाएंगे, नए नए बातें होंगी, लेकिन स्थिति जमीन, मैं तो हम लोग जमीन पे देख रहे हैं ना, कुछ भी स्थिति नहीं है। अगर आप ग्रामीण इलाकों से देखिए, अगर मुजफ्फरपुर शहर में स्थिति इतनी बदतर है, तो गाँव से शहर आने में ही मतलब कि लोगों को 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे लग रहे हैं, उतने देर में स्थिति बिगड़ जाती है। क्या ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं? अच्छी नहीं है। जिला स्तर पर जब आपका मुख्यालय है, वहां पर जब स्थिति इतनी खराब है, तो सोचिए कि जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी। और लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, लोग इसकी परवाह ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये किसके, जब उनको पास, उनको लगता है किसी तरह से मेरे पास पैसे हो, हम प्राइवेट में इलाज कराएं, वो सरकार की जवाबदेही के लिए वो प्रश्न ही नहीं उठाते। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सवाल ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी तबीयत खराब हुई, मैं इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मरूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। लोगों के साइक में ये भर दिया गया है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक सवाल मेरा और है आपसे, मुझे इसका जवाब भी चाहिए, और आपके साथ साथ मैं बाकी लोगों से भी जवाब चाहता हूं कि इस पूरी त्रासदी में आप ये देखिए कि सत्ता का तो अपना एक चरित्र है, सत्ता नहीं है ग्राउंड पे। मैं नीतीश कुमार को लेकर के एक सबसे बड़ी बात कि सुशासन का शासन वो कहते हैं, लेकिन वो अभी तक देखने नहीं गए हैं, उन बच्चों से मिलने नहीं गए हैं, उस अस्पताल में मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हुआ है जहां 120 बच्चे मर चुके हैं पिछले 15 दिनों में। विपक्ष कहां है, और विपक्ष से सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब सत्ता पे अंकुश रखने का वक्त आया है तो आप है नहीं ग्राउंड पे, और चुनाव में आप वोट मांगने जाते हैं। देखिए, ये भी एक तरह का एक एक्सपोज हो रहे हैं। आप चीज समझिए कि सबको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए ही मतलब कि लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, आपका ये मनसा दिखती है ना कि आप मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक कुर्सी नहीं मिली, या फिर आप MP में नहीं बने, या कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको कोई मतलब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम अब जैसे कि आप देखिए राजद के पेज से शेयर हुआ है कि लोगों ने राष्ट्रवाद को वोट दिया है, तो वो राष्ट्रवाद की बात करें, मतलब कि अरे आपकी जिम्मेदारी मुक्त हो गई। आपको एक बार लोगों ने वोट नहीं दिया तो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप उनको ही मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कि ये तो बहुत गलत बात है ना ये। लेकिन अब नीतीश कुमार जैसे लोग, जो कि ये त्रासदी हो जानी चाहिए, नीतीश कुमार को 3 दिन कैंप कर देना चाहिए वहाँ पे कि हम हैं आपके साथ, और हम आपके साथ हैं, और देखते हैं कैसी सिचुएशन नहीं होती है। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, लोग आते हैं घूम के चले आते हैं। अरे आप क्यों नहीं कैंप कर सकते हैं? आप वोट लेने के लिए तो 4 दिन भागलपुर में, 3 दिन मुजफ्फरपुर में कैंप करते हैं ना। लेकिन अब इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है तो आप क्यों नहीं कैंप कर सकते हैं? पूरा उन्होंने 7 दिन का कैंप, 7 दिन का कैंप किया, वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्यों नहीं ऐसी सिचुएशन में वो लोग कैंप कर लेते हैं? क्यों नहीं जो स्वास्थ्य मंत्री है वो 10 दिन वहीं रहते हैं कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी? लेकिन नहीं, वो एक दौरा करके, खाना पूर्ति करके उनको जाना है, अपना काम करना है, आगे देखना है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब लोग एक फॉर्मेलिटी है उसको निभा रहे हैं, इतने पैसे दे दो, इतना ये कर दो। और जनता भी अजीब है, वो नशे में, उसको लगता है कि अगर आप इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये हमारा है, हमारा इशू है। और छोड़िए, मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं उनका कोई यहाँ पे नहीं आया, कोई उनकी भूमिका होनी चाहिए ना। वो लगातार पिता पुत्र इतने सालों से वहाँ पे सांसद हैं, लेकिन क्या उन्होंने कुछ किया? हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है वो आज तो ऐसी नहीं है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि हम लोग हैं वहाँ के, हम लोग जान रहे हैं। क्या वहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनको नहीं पता है कि सिचुएशन खराब है? तो कोई बात ही नहीं करते लोग, कोई बात ही नहीं करते। और लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए तो लोग सवाल नहीं करते। लोग बस इसी में खुश होते हैं कि मेरी जाति के विधायक हैं, मेरी जाति के सांसद हैं, मेरी पार्टी के सांसद हैं, बस वो कुछ करे ना करे, मेरा तो जान पहचान है, मेरा तो काम हो रहा है, मेरा तो टिकट कंफर्म करा दे रहा है, मेरा तो लेटर लिख दे रहा है, बस लोग इसी में इतिश्री कर लेते हैं। पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों को नियुक्ति करने का, और एक एक बेड पे 5-5, 10-10 बच्चे को लेटाया गया है, माँ भी बच्चों को हाथ में लेके खड़ा हो रही है, तो ये सारी सिस्टम ये कौन प्रोवाइड करेगा? और जो स्वास्थ्य मंत्री बोले कि उनका फेट है, हमारा कोई दोष नहीं है, तो ऐसा इतना इनसेंसिटिव, पूरी की पूरी मौत का जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को लेना है। और जो इनसेंसिटिव जो स्टेटमेंट देने वाला स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत उस पद से हटाना है। केंद्र की मंत्री उधर गया है, हमारी मांग यह है कि अस्पतालों में, बिहार की जो डिफरेंट अस्पतालों में बाहर के भी हो, मगर डॉक्टरों को पर्याप्त संख्या में लेके आए, बाकी सारा जो मेडिकल टीम को लेके आए, ताकि कभी भी कोई भी अस्पताल में ऐसा बच्चों को लेके आए, उनको तुरंत जो मेडिकल जो फैसिलिटीज मिले, ट्रीटमेंट मिले, उनका जान बचाने का प्रयास करे, ये मांग लेके। और जो उन परिवारों के साथ हमारी जो सोलिडारिटी प्रकट करने के लिए आज हम दिल्ली में ये बिहार सदन के सामने आई है, और उधर से बिहार भवन के पास आने के लिए भी दिल्ली पुलिस हमें जो अनुमति नहीं दे रहे,
बोल रहे आप चलो जो जंदर मंदिर चलो बिहार भवन, हम बोल रहे बिहार भवन उधर लेके आए जंदर मंदिर पे हम करेंगी, मगर बिहार भवन के अंदर से हमें ये बोले और लोग कोई त्योहार मना रही है सॉरी कबीर जयंती मना रहे, इसलिए हमने एक तरफ बच्चा लोग मर रही है और इस बिहार भवन की जो लोग बोल रहे हम जयंती मना रहे, कोई भी जयंती हो बच्चा जब मरने के वक्त उनको ये ऐसा बोलने के लिए भी शर्म नहीं होती है, हम मना रहे त्योहार, बच्चों का मौत एक तरफ हो रही है, हमें बहुत अफसोस है बिहार सदन की जो लोग भी इतना इनसेंसिटिव होके हमें मिलने से भी मना किया है, मगर आप जो हम दिल्ली के जनता जरूर बिहार के जनता के साथ खड़ा है, उनके सोलिडारिटी में खड़ा है, हम नहीं चाहती है कि कोई भी एक और बच्चे का मृत्यु ये लापरवाही से सरकार की लापरवाही से जो स्वास्थ्य सेवा ना मिलने से ना हो, ये हम मांग रखने के लिए आई है। मैं यहीं दिल्ली से हूँ और मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, मेरा सरोकार है इसलिए मैं आई हूँ जी। ये अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब बहुत संख्या नहीं है, बहुत लोग नहीं आए, तो इस प्रदर्शन का एक बिहारी के नाते मैं भी चूंकि बिहार से हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना करने कर पाने की जो छटपटाहट है उसका नतीजा है क्या ये प्रदर्शन? कुछ ना करने की छटपटाहट तो सबसे पहले किसी को होनी चाहिए, तो सरकार को होनी चाहिए, कुछ ना वो कर पा रही है और अपनी ही इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। तो हम सरकार के कान में आवाज़ डाल रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोग कम आते हैं लोग ज़्यादा आते हैं, ये हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, मेरा सरोकार है, मेरा भाई मेरा बच्चा उसको इस स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आए हैं, बात ये कि बात कितनी ज़रूरी है, कितने बच्चे मरे हैं, मुझे लगता है इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए रैदर देन कि कितने लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये मुझे ये बताइए कि अभी चुनाव हुआ है और पूरे देश में और बिहार में भी हम लोग कवर करने गए थे, एक पूरी चहलकदमी रहती है नेताओं के चुनाव में, वो लोगों के पीछे पीछे जाते हैं, अभी कुछ विजुअल्स मुजफ्फरपुर अस्पताल से ऐसे आ रहे हैं जिसमें पीड़ित परिवार के लोग नेताओं के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें रोक दे रहा है, इन दोनों तस्वीरों में कितना कॉन्ट्रास्ट है और जब खास करके तब जब 120 बच्चे मर चुके हैं। यही कंट्रास्ट जो है, ये कंट्रास्ट को दूर करने के लिए जनता को ये समझना होगा कि वोट दे देना काफ़ी नहीं है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि सिर्फ वोट दे देना हमारे कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर देता है, हमारा काम है कि समय समय पर सरकार को जगाते रहना, वो सरकार जो बार बार बहरी हो जाती है सो जाती है उसको जगाते रहना, आज जो हमारे पीछे पीछे नेता घूम रहे थे आज वो बच्चों की सुनने को तैयार नहीं है, ये किस चीज़ का नतीजा है? ये इस चीज़ का नतीजा है कि वोट देने के बाद पैसे का जो वोट में खेल हो गया उनको अब लगता है कि वो 5 साल के लिए चुने जा चुके हैं, अब वो निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों से मन मार के बैठे रहेंगे और हम लोग पीछे पीछे चिल्लाते रहेंगे, इसीलिए जरूरी है कि सारे लोग एक साथ हैं, ये एकजुटता ही है जो सरकार को जगा सकती है और हमारे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करवा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी आपका। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, जो भी संख्या आप देख पा रहे हैं, अभी एक महिला यहाँ पे संबोधित कर रही हैं, ये बिल्कुल इंडिविजुअल लोग हैं और अपने अंदर की आवाज़, मैं कहूँ कि अंतरात्मा की आवाज़, जो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बाद ये लोग अभी बिहार भवन के सामने हैं। बिहार में लगातार जो बच्चों की मौत हो रही है एक बुखार की वजह से, और ये कितना अजीब है आप देखिए कि अभी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपना हम एयर स्टेशन बनाने जा रहे हैं चंद्रमा पे, बहुत अच्छी बात है, हम लगातार अपने विकास की बात करते हैं, हमारा अर्थव्यवस्था इतना बड़ा हो गया था, लेकिन इसी समय देश के एक राज्य बिहार में बच्चे बुखार से पटापट मर रहे हैं। पटापट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2012 में जब मैं उसको कवर करने गया था बिहार, इसी अस्पताल में जहाँ से भी विजुअल्स और खबरें आ रही हैं, तो वहाँ पे एक के बाद एक बच्चे मरते हैं और वहाँ जाकर के आप जाकर के बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के तौर पर नहीं रह सकते, क्योंकि आप अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में जैसे ही आप कदम रखते हैं, उन वार्ड में कदम रखते हैं जहाँ पर ये बच्चे भर्ती होते हैं, एक के बाद एक बच्चे मरते हैं और अस्पताल प्रशासन बिना किसी लाग लपेट के उन बच्चों के मुंह से मास्क निकालता है, उनके हाथ में जो पानी चल रहा होता है वो निकालता है और ये कह देता है कि बच्चे मर गए हैं। तो इस बार भी लगभग इसी तरीके की व्यवस्था है, आप देखिए कि कुछ भी नहीं बदला है, बच्चों की मौत उसी तरीके से हो रही है एक के बाद एक। मैं आपको चाहता हूँ कि ये मुझे तो ये जो स्थिति है और इसको लेकर के जो चुप्पी है वो पिछले जून में, मुझे लगता है कि 2-4 जून से बच्चों की मौत की खबर आने लगी थी, अभी जब संख्या 100 के पार पहुंच गई है तभी सही, लेकिन अब कुछ
हलचल होने लगा है, लोग बोलने लगे हैं और उसी का एक परिणाम है दिल्ली में ये जो छोटा सा ही सही लेकिन बहुत ही मार्मिक प्रोटेस्ट अभी अभी यहाँ पे अभी चल रहा है दिल्ली भवन के बाहर। मार्मिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लोग भी आए हैं वो किसी पार्टी की तरफ से कॉल देकर के नहीं आए हैं, पार्टी की तरफ से भी कॉल देकर के प्रोटेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार बिहार का जो विपक्ष है, सत्ता के साथ साथ बिहार का जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी इस मौत की उतनी ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पिछले चुनाव में अगर उनको वोट नहीं मिला किसी वजह से तो वो इसको लेकर के सड़क पर नहीं आएंगे। विपक्षी पार्टियों को भी याद रखना चाहिए कि सत्ता के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी इस लिहाज से ज़्यादा है कि जब इतनी मौतों के बाद बिहार का मुख्यमंत्री इस बात की जहमत नहीं उठाता है कि वो अस्पतालों तक जाए तो वो सड़कों पे इस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि सत्ता को मजबूर किया जाए, व्यवस्था बनाने के लिए सत्ता को मजबूर किया जाए ताकि वो अस्पतालों में इंतजाम करे। और यकीन मानिए बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित दूसरे जिलों में भी बच्चे इस बीमारी से मर रहे हैं। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर ये एक राष्ट्रीय त्रासदी नहीं है, अगर बच्चों का मरना एक राष्ट्रीय त्रासदी नहीं है तो दूसरी कोई बड़ी त्रासदी इस वक्त की, इस समय की, हमारे देश की नहीं है। याद रखिए पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है 17 दिनों में 120 बच्चे किस तरीके से मरे हैं उनको इस तरीके से देखिए, जैसे दिल्ली में बहुत से लोग मच्छर मारने के लिए जो एक बैडमिंटन जैसा इस्तेमाल करते हैं और उसको जितनी बार घुमाते हैं मच्छर पटपट करके मरते हैं, बच्चे ठीक उसी तरीके से मर रहे हैं। एक दिन में 4-5 बच्चे मरते हैं। कल केंद्रीय गृहमंत्री गए थे वहाँ पर और उनके सामने बच्चों की मौत हुई। ये कितना शर्मनाक है कि केंद्रीय गृहमंत्री के सामने बच्चों की मौत हुई और लगातार हो रही है। ये सिलसिला रुकना चाहिए और ये एक साल की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं पत्रकारिता में हूँ तो मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगले साल भी शायद मैं सेम इसी मुद्दे पे इसी तरीके की कोई रिपोर्टिंग कर रहा हूँगा और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दिल्ली के बिहार भवन से ये बिहार भवन के कर्मचारी हैं जो आए हैं यहाँ पे मेमोरेंडम लेने के लिए, लेकिन ये नाम नहीं बता पाने। सर नाम तो बताइए, छुट्टी भी पूछ लीजिए, नाम बताइए। सर हम लोग से, मैम हम लोग के आपसे मिलने आ गए, नाम तो बता दीजिए। आनंद और शुभांकर। तो छुट्टी किसी की छुट्टी है सर? किसी की छुट्टी है। अच्छा ये नहीं बता पा रहे हैं कि छुट्टी है कि नहीं, लेकिन हमें यही कहा गया कि छुट्टी है तो अच्छा ही है, बिहार में ही छुट्टी है। और जब बच्चे मर रहे हैं तो बिहार प्रशासन के पास समय है इस बात का कि वो किसी भी जयंती को मनाते हुए छुट्टी मना सकती है। तो ये बिहार भवन के बाहर से ये प्रदर्शन एशिया विल हिंदी के साथ आप देख रहे हैं। इस लाइव को इसलिए मत शेयर कीजिएगा कि एशिया विल हिंदी का लाइव है, इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे।